मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो सिप पी जाते, विष तो सिप पी जाते, विष तो सिप पी जाते। मध्य प्रदेश में शिवराज है और बीजेपी के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया अध्याय जुड़ा है। जी हाँ, यह अध्याय है विष पान का। जब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चौथे स्तंभ के सशक्त प्रहरियों के सामने कैमरे पर कहा कि जब जब मंथन होता है तो अमृत सब में बट जाता है और शिव को पीना पड़ता है विष। जी हाँ, आखिर क्या वजह है कि सियासत में शिवराज सिंह चौहान को विष पीने के लिए मजबूर होना पड़ा है? संकेतों में ही सही, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के श्रीमुख से निकला यह बयान आने वाले कल में किसी सियासी तूफान के संकेत दे रहा है। एमपी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या वाकई में शिवराज मजबूत से मजबूर हो गए हैं? और वो शिवराज सिंह चौहान जिनकी मध्य प्रदेश में तूती बोलती थी और बीजेपी में चाहे सत्ता हो या संगठन, जो शिवराज का मन चाहता था वो सब कुछ हो जाता था, आखिर क्यों वो दिन बदल गए और क्यों ऐसे हालात बने कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर 48 घंटे नहीं बल्कि कई दिनों तक मंथन किया जा रहा है, नामों को तय कराने के लिए राजधानी दिल्ली का सहारा लिया जा रहा है। और अब ऐसे हालातों में जब मुख्यमंत्री से पूछा गया कि इस महामंथन के बाद आखिर क्या निकल कर आने वाला है, तो खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें विष पीना होगा क्योंकि शिव जो हैं वो विष पान करते हैं। सबसे पहले सुनिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये सनसनीखेज बयान। किसको मिलेगा और विष किसको मिलेगा? मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो सिर्फ पी जाते हैं। चलिए, इस बयान के कई मायने हैं और कई दिलचस्प इसमें सियासी समीकरण छुपे नजर आते हैं। आखिर क्यों शिवराज में विषपान वाली सियासत का अध्याय जुड़ा है और क्या वाकई में इस विषपान के पीछे दो उपमुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के वो तमाम चेहरे छुपे हैं जो कि आने वाले कल में मध्य प्रदेश में होने वाली उपचुनाव की अग्नि परीक्षा को न केवल पास करेंगे बल्कि सीधे तौर पर कहा जाए तो सत्ता में बीजेपी का कमल खिला रहे ऐसे जतन करेंगे? तमाम जानकारियां लेने के लिए जुड़ते हैं एमपी न्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट संदीप मीणा से। संदीप, बहुत गंभीर मसला है, बहुत दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है मध्य प्रदेश की राजनीति। आखिर क्यों ऐसे हालात बने कि शिवराज सिंह चौहान को विष पीने के लिए मजबूर होना पड़ा है? और संकेतों में ही सही, उनका ये बयान आखिर क्या आने वाले कल की कोई आहट सुनाई देता है? बिल्कुल, देखिए महेंद्र जी, की सियासत में टाइमिंग का बड़ा मायना होता है और जिस तरीके से अगर बात की जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पिछले 15 सालों की अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान के सामने चुनाव जीतना और जिताना बड़ा आसान हुआ करता था, लेकिन उन्होंने 15 सालों में कई बार मंत्रिमंडल का विस्तार किया, उन्हें कोई चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन चौथी पारी में शिवराज कहीं ना कहीं चूकते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपने मन की नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया राजधानी भोपाल में कि जब जब मंथन होता है तो अमृत सब में बट जाता है लेकिन विष जो है वो शिव ही पीते हैं। इस बयान को लेकर सियासी हलकों में जो है चर्चाओं का बाजार गर्म जरूर हो गया है और कई तरह के जो है इसके मायने भी निकाले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शिवराज ने आखिर ये बयान क्यों दिया? जिस तरीके से अगर बात की जाए मंत्रिमंडल को लेकर शिवराज सिंह चौहान को पापड़ बेलना पड़ रहा है और दफ्तर टू दफ्तर बैठक करना पड़ रही है, कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी को भी दर्शाता है। और जिस तरीके से अगर देखें तो शिवराज सिंह चौहान के नामों पर अगर मुहर लग जाती तो वो सीधे दिल्ली से आते और कैबिनेट का विस्तार कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं हाईकमान ने उनकी लिस्ट को रिजेक्ट कर दी है। और जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में जो मंत्री नगीने के रूप में गिने जाते थे, चाहे वो सुरेंद्र पटवा हो, चाहे रामपाल सिंह हो, चाहे गौरीशंकर शेजवार हो, चाहे दूसरे अन्य तमाम उनके करीबी हो, उन मंत्रियों को लेकर इस बार मंत्रिमंडल के गठन में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आलाकमान का निर्देश है कि इस बार मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जगह दी जाएगी, साथ साथ अनुभव को तो लाभ लिया ही जाएगा, साथ ही साथ चुनाव के लिहाज से समीकरण को भी बैठाने होंगे। तो यही बात है कि शिवराज सिंह चौहान बेहद मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके जो करीबी नेता हैं, जो सीनियर लीडर हैं, विधायक, वो मंत्रिमंडल से छूटते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अपडेट है कि कई ऐसे मंत्री हैं वो छूटते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसी वजह से शिवराज सिंह चौहान के मन में वो जो एक दुख है वो छलका है मीडिया के सामने। यही वजह है
कि उन्होंने ये बयान दे दिया विष पीने वाला कि विष तो शिव ही पीते हैं। जाहिर तौर पर सियासत के शिव भी कहलाते हैं वो, और जब जब मध्य प्रदेश में कोई ऐसा निर्णय करने की बारी आई हो, जब जब कोई ऐसा फैसला लेना हो, शिवराज सिंह चौहान हमेशा फ्री हैंड होकर फैसला लेते थे, लेकिन इस बार आलाकमान के सामने झुकते हुए नजर आ रहे हैं और संगठन के सामने शिवराज की जो सत्ता है वो पानी भरती हुई नजर आ रही है। और इसको लेकर जो है अब उनके बयान पर सियासी जो गलियारे हैं उनमें चर्चाएं भी गर्म हो गई है और कांग्रेस ने जो है जुबानी हमला भी तेज कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि अब मंथन इतना लंबा हो गया कि अब अमृत का नामो निशान नहीं है, सिर्फ विष ही विष निकलेगा। और ये विष शिवराज सिंह चौहान को ना सिर्फ रोज पीना पड़ेगा बल्कि हर रोज मंथन भी करना पड़ेगा और इस मंथन का जो परिणाम है, इस विष का जो परिणाम है, उसे भोगना भी होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान के बयान पर अब वार पलटवार भी शुरू हो गया। हालांकि विनय सहस्त्रबुद्धे जो है वो हाईकमान का फरमान लेकर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, नामों की लिस्ट उनके हाथ में है और 1-to-1 जो है वो तमाम विधायकों से चर्चा भी करने वाले हैं जो नाराज चल रहे हैं उनको लेकर। तो ये माना जा रहा है जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है कि तमाम लोगों को जो है एडजस्ट किया जाएगा, संगठन में कोई नाराजगी वाली बात नहीं। फिलहाल दो मुख्यमंत्रियों का फार्मूला की जो अटकलें हैं वो भी तेजी से चल रही है। कहीं ना कहीं इन्हीं मजबूरियों को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान का वो दर्द जो है मीडिया के कैमरे पर छलक पड़ा और उन्होंने कह दिया है कि मंथन के बाद अमृत सब में बढ़ जाता है। जाहिर तौर पर हाईकमान ने जो मंथन किया वो अमृत जो है सिंधिया खेमे के विधायकों में बटा है और जो विष है वो शिवराज सिंह चौहान को अपने जो करीबी सीनियर विधायक हैं उनको मंत्रिमंडल से दरकिनार करते हुए घूंट विष का पीना पड़ेगा। चलिए बड़ी खबर है, फिलहाल बारिश का मौसम है लेकिन मध्य प्रदेश में सियासी मौसम बदला बदला सा नजर आ रहा है और बीजेपी में कहीं बगावत ना हो जाए ये डर भी सता रहा है। शायद यही वजह है कि प्रदेश के प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे तमाम रूठे नेता और तमाम रूठने वाले नेताओं के मान मनोवल में जुट गए हैं, यानी कि डैमेज कंट्रोल का भी पूरा पूरा प्लान बीजेपी के पास है। नए और तेज तर्रार ऊर्जावान चेहरों को मंत्रिमंडल में हरी झंडी मिल गई है, ऐसे संकेत केंद्रीय बीजेपी आलाकमान ने दे दिए हैं। लिहाजा कई ऐसे शिव के गण हैं जो कि मंत्रिमंडल से बाहर होंगे और कई ऐसे बीजेपी के नए रंग हैं जो कि मंत्रिमंडल में नजर आएंगे। बहरहाल यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा भी बरकरार है और बीजेपी संगठन यहां पर एक बार फिर नए चेहरों को तरजीह देने के प्रयोग के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में असहज हैं मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और शायद यही वो भावनात्मक पल होते हैं जब एक राजनेता अपनी भावनाओं को चौथे स्तंभ के समक्ष कुछ इस अंदाज में बयां कर जाता है कि उसके कई मायने भविष्य में निकाले जा सकते हैं। बहरहाल देखना होगा कि शिव क्या इसी तरह से आने वाले कल में भी विषपान करते रहेंगे और क्या वाकई में अमृत ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के तमाम युवा चेहरों में बट जाएगा, सब कुछ पता चलेगा कल तक। फिलहाल देखते रहिए तमाम सियासी खबरों के लिए आपका अपना न्यूज चैनल MP News। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।